16 और 17 जुलाई की मध्य रात्रि भारत समेत पूरे विश्व में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन गुरु पूर्णिमा का भी दिन पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल की शुरुआत 9 घंटे पहले शुरू हो जाती है। इस दिन मंगलवार का दिन है और इसके साथ इस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा भी है। यह गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसी के चलते इस दिन को सबसे ज्यादा शुभ और खास बताया गया है। मान्यता है इस दिन गुरु भगवान की पूजा पाठ करने से सारे कलेश भी दूर हो जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रहण होने की वजह से कई काम प्रभावित होंगे। बता दें आपको, यह ग्रहण कुल 2 घंटा 59 मिनट का होगा। ग्रहण के दौरान चंद्रबिंब दक्षिण पश्चिम की ओर से ग्रस्त होता दिखाई देगा। यह चंद्रग्रहण 16 जुलाई की रात 1:31 पर शुरू होगा और 17 जुलाई की सुबह 4:30 पर ग्रहण का खत्म होगा। इस दिन चंद्रमा शाम 6 बजे से 7:45 तक उदय होगा। इसी के चलते पूरे देश में ग्रहण की शुरुआत मध्य और मोक्ष देखा जा सकेगा। वहीं सबसे खास और अहम बात आपको बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा। इस नियम के मुताबिक भारतीय समय के अनुसार 16 जुलाई की शाम 4:31 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, सूतक से पहले ही गुरु पूर्णिमा की पूजा के बाद सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।